हेलो हेलो जी, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत मेरी हुई थी कंफ्यूजन के साथ। कंफ्यूजन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जा रहे थे मजनू का टीला और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ। मैंने ये न्यू ट्राउज़र ख़रीदा था और इसके साथ मैं सोच रही थी मैं कुछ इस तरीके का रेड कलर का टॉप पहनूँ, डिसेंट सा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। पर दिक्कत ये हो रही थी, जो मेरे पास ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र था इसको मैंने जब पहना तो इसका ज़िप टूट गया था। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम है, ये हर उस लड़के की प्रॉब्लम है जिसके पास कपड़े तो ढेर सारे होते लेकिन पहनूँ क्या वाला क्वेश्चन तो हमेशा माइंड में रह ही जाता है। और यहाँ मैं पीछे पूरी अलमारी खोल के बैठी थी पर मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया ब्लैक वाले ट्राउज़र को मैं चेंज करके इसके साथ मैं जीन्स पहनूंगी और टॉप मेरा सेम रहेगा। सो कट टू द टाइम जब हम जा रहे थे लॉक लगा के मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो मौसम उस टाइम का मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था, इक्वल सा था। तो हमने पहले सोचा कि हम जाएंगे मेट्रो से, पर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, हमें टाइम पे पहुंचना था, तो हमने ले लिया ऑटो और हम पहुंचे डायरेक्ट मजनू के टी लेके जो फ्लाईओवर है ना उसकी साइड। तो उसने हमें पहुंचाया था उस तरफ और हम ये फुटओवर ब्रिज क्रॉस करके हम इस साइड आए। यहाँ पे भी स्टॉल्स और छोटी छोटी दुकानें शुरू हो जाती हैं और यहाँ से सीधा सामने एक रास्ता जाता है जो कि जाता है सीधा मार्केट के अंदर। और वहाँ घुसते ही बहुत अच्छी वाली वाइब आई, वहाँ पे बहुत सारे नूडल्स, कोरियन नूडल्स वगैरह भी वहाँ पे बहुत सारे थे, वहाँ पे कपड़ों की शॉप थी। तो फाइनली हमें लगी भूख और हम गए 2D कैफ़े में। तो 2D कैफ़े का एंट्रेंस ही सेकेंड फ्लोर से बढ़िया से शुरू हो जाता है, उनकी थीम बेस होती है। और यहाँ पे जाके ऐसा लग रहा था कि हम एक कॉमिक की दुनिया में आ गए। और आप सोच रहे होंगे कि हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं, तो सीढ़ियों से इसलिए जा रहे थे क्योंकि लाइट चली गई थी और हमें 6th फ्लोर में जाना था, और जिसके लिए हमने स्टेयर्स का यूज़ किया। और हम पहुँचे अपने एग्जैक्ट रेस्टोरेंट में जहाँ पे हमने खाए चिकन, मैंने तो नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इन सब ने खाए चिकन के आइटम स्टार्टर में। और वहाँ पे लाइट नहीं थी और एसी भी नहीं चल रहा था, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पे ज़्यादा देर बैठना। बट फाइनली हमारी हमारे जो ऊपर एसी लगा है वो चलने लगा। और उसके बाद गए हम एक थाकी करके एक नेपाली क्विजीन वहाँ पे मिलती है, नेपाली रेस्टोरेंट था। वहाँ पे जाते ही गांव वाली फीलिंग आई, बिल्कुल जैसा नेपाल में होता है, सेम वही थीम उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की रखी थी। एक सेपरेट रूम मिला था जहाँ पे हम सेपरेटली बैठकर अपना क्विजीन एंजॉय कर सकते हैं। और वहाँ की जो स्पेशल चीज़ लगी, वहाँ पर उन्होंने एकदम गाँव का टच दिया हुआ था। पीतल के बर्तन वहाँ पर यूज़ होते हैं, चाहे वो ग्लास हो, कटोरी हो या थाली हो, पीतल ही यूज़ होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने पीतल के ग्लास में पानी देके हमारा वेलकम किया। वहाँ पे भी उन्होंने चिकन के आइटम मंगाए थे, चटनी, अचार, पोहा और चिकन का सीख कबाब खाए थे ये। और उसके बाद उन्होंने मंगाए ये झोल मोमोज जो कि चिकन के थे। और यहाँ की एंट्रेंस में ही एक गाँव का टच मिलता है। फिर हमने किया उबर क्योंकि हम जा रहे थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जो कि था स्प्लैश, और ये है रजौरी में। तो मैं बता दूँ, स्प्लैश अगर आपको नहीं पता तो ये बेसिकली एक गेमिंग एरिया है जिसमें बहुत सारी गेम्स देखने को मिल जाएंगी, फिर चाहे वो कार हो और ये बाइक वाली हो, और सारी गेम्स जो हम फ़ोन में खेलते हैं वो भी इसमें अवेलेबल थी। साथ में पीछे ये बम्प कार भी है, और इसी के साथ आगे चल के एक क्रिकेट का प्लेस बना हुआ था जहाँ पर क्रिकेट खेल सकते थे। इसी के साथ ये हथौड़े वाली गेम, हैमर वाली गेम, और ये बगल में जो कार देख रहे हो ना ये VR वाली थी। इसी के साथ यहाँ पे फूड कोर्ट भी था, अगर कुछ आपको ऑर्डर करना है, गेम खेलते खेलते थक गए हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो।
ये यूनिकॉर्न एलिफेंट ये टॉय वाली गेम्स भी वहाँ पे अवेलेबल थी, और जिसके लिए हम मेन गए थे वो थी बॉलिंग। यहाँ पे हम सब ने बॉलिंग करी, इवन दो इट वाज माय फर्स्ट टाइम, तो मेरा इतना अच्छा बॉलिंग का एक्सपीरियंस नहीं रहा था। मेरी बॉलिंग में आपको हंसी आने वाली है। तो बॉलिंग करने के बाद हमने और भी गेम्स को एक्सप्लोर किया था इसमें, और जिसमें से हैमर वाली गेम है, और बाकी आगे के गेम्स को आप इंजॉय कीजिए। गेम खेलते खेलते अब वक्त आ गया कार में बैठ के घर जाने का, क्योंकि हो गया था आई थिंक 8:30 बज गए थे हमें, और अंदर पता भी नहीं चल रहा टाइम का, इतने गेम्स में हम खो गए थे। और घर आकर हम मतलब बहुत थक गए थे, वीडियो शूट नहीं कर पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाते रहिए। थैंक यू।